दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेरणा कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड जिसकी हमने बेसिक बातें जान ली थी पीछे की क्लास में, आज हम जो है डायरेक्ट मेथड के कुछ मेरिट्स जानेंगे। दोस्तों डायरेक्ट मेथड के मेरिट यानी कि इसके एडवांटेज क्या हैं। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। इंग्लिश में दोस्तों हम लोग टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं और हम अब पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड को। डायरेक्ट मेथड के मेरिट्स क्या हैं या हम कह सकते हैं दोस्तों एडवांटेजेस क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, इस मेथड को क्यों पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम इसके मेरिट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये मेथड जो है ना वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें फुल ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। तो हमारा मतलब पहली अगर इसकी विशेषता बोलने या पहला इसका लाभ जो है ना वो ये है कि ये मेथड इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मेथड, इसको हम इंटरेस्टिंग मेथड मानते हैं। और दोस्तों क्यों मानते हैं, क्योंकि ये फुल ऑफ एक्टिविटीज है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो इसको हम यहाँ पर नंबर एक हमने जो डाला है इसको मैं हटा देता हूँ। वैसे याद रख लेना आप कि ये मेथड जो है ना वो इंटरेस्टिंग है और दूसरा है इसकी जो लाभ है या मेरिट है या एडवांटेज है ये फुल ऑफ एक्टिविटीज है। फुल ऑफ एक्टिविटी, इसमें फुल ऑफ एक्टिविटी मतलब बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में जो है इंग्लिश टू इंग्लिश बोला जाता है, समझा जाता है, टीचर भी इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता है और बच्चे भी इंग्लिश टू इंग्लिश समझते हैं। इसमें मदर टंग का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ये मेथड जो है ना वो पहली बात तो इंटरेस्टिंग है और दूसरा फुल ऑफ एक्टिविटीज है, इसमें एक्टिविटीज खूब होती हैं। इसमें जो तीसरी बात है वो ये है कि इस मेथड में क्रैमिंग को अलाउ नहीं किया जाता है, मतलब रटने को अलाउ नहीं किया जाता है। क्रैमिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज डिस्करेज्ड। यहाँ पर जो क्रैमिंग, जिसको अपने क्रैम करना कहते हैं, जिसको अपने रटना कहते हैं, वो अलाउ नहीं है इसमें। क्रैमिंग ऑफ वर्ड्स Not allowed। यहाँ पर words को रटना जो है ना दोस्तों वो allowed नहीं किया जाता है। इस method का ये भी एक merit माना जाता है या ये कह सकते हैं कि इस method का ये भी एक लाभ माना जाता है। आज हम सिर्फ मेरिट पढ़ेंगे। मैं आपको ये जो भी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश का जो जितना भी सिलेबस है सेकंड ग्रेड का, वो मैं दोस्तों आपको छोटे छोटे वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा ताकि आपको भी बोरियत नहीं हो सके, आप जो चीज़ों को आसानी से समझते भी रहें। आपने देखे होंगे पीछे भी क्लासें जो है ना वो छोटी छोटी क्लासें हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों को डेली बताता हूँ। तो आज की इस क्लास में हम डायरेक्ट मेथड के केवल मेरिट जानेंगे, डीमेरिट की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। इस मेथड के जो मेरिट हैं या इस मेथड के जो गुण हैं या इस मेथड के जो एडवांटेजेस हैं उनकी बात करेंगे। तो पहला तो ये है कि ये मेथड इंटरेस्टिंग मेथड है, और क्यों मेथड इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फुल ऑफ एक्टिविटी है। तीसरा, क्रेमिंग ऑफ वर्ड्स नॉट अलाउड, यहाँ पर जो है वर्ड्स को क्रेम करना अलाउ नहीं किया जाता है, यानी कि चीजों को रटना अलाउ नहीं किया जाता है। और इस मेथड में दोस्तों रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग ये सारी चीजें डेवलप होती हैं, ऑल्दो नॉट इक्वली, हालांकि एक साथ नहीं होती हैं, क्योंकि अपने को पता है LSRW ये लैंग्वेज के चार एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें L का अर्थ क्या होता है, L का अर्थ होता है लिसनिंग। इसकी बार बार अपने बात कर रहे हैं, L होता है लिसनिंग, S क्या होता है,
एस होता है स्पीकिंग, एस होता है स्पीकिंग, और आर क्या होता है दोस्तों, आर होता है रीडिंग, आर रीडिंग होता है, और डब्ल्यू होता है राइटिंग। तो किसी भी भाषा के ना ये चार एस्पेक्ट होते हैं। इससे पहले जो हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा था वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग को, रीडिंग और राइटिंग पर जोर देता है, रीडिंग पर और राइटिंग पर। और ये जो डायरेक्ट मेथड है ना ये चारों एस्पेक्ट पर जोर देता है, लेकिन बराबर नहीं देता है, ज्यादा जोर तो ये एल एस पर देता है, मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज्यादा जोर देता है, ज्यादा स्ट्रेस जो है ना ये लिसनिंग और स्पीकिंग पर देता है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि डायरेक्ट मेथड जो है ना वो चारों एस्पेक्ट को कवर करता है, यद्यपि चारों को इक्वली नहीं करता है पर फिर भी चारों मेथड को ये कवर करता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि एक तो रीडिंग रीडिंग राइटिंग राइटिंग लिसनिंग लिसनिंग और स्पीकिंग, चारों एस्पेक्ट हो गए ना ये स्पीकिंग, ये सारों सारे एस्पेक्ट जो हैं वो डेवलप्ड किए जा सकते हैं इसमें, इसमें डेवलप होते हैं। डीई सॉरी वीई डेवलप किए जाते हैं डेवलप्ड, इसमें ये चारों एस्पेक्ट जो होते हैं ना वो डेवलप्ड होते हैं, चारों एस्पेक्ट जो है समान मात्रा में विकसित होते हैं यहाँ पर, लेकिन ये चारों बराबर नहीं होते हैं। चारों एस्पेक्ट की बात होती है लेकिन ज्यादा जो बात होती है ना वो लिसनिंग और स्पीकिंग की होती है, यानी कि ज्यादा जोर इन दो पर दिया जाता है। जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन में ज्यादा जोर रीडिंग और राइटिंग पर दिया जाता था, इस पर ज्यादा जोर जो है ना लिसनिंग और स्पीकिंग पर दिया जाता है, और रीडिंग और राइटिंग एस्पेक्ट पर भी बात की जाती है, ऐसा नहीं कि इनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो वैसे तो चारों एस्पेक्ट की बात होती है, लेकिन अगर ज्यादा स्ट्रेस किस पर दिया जाता है ये पूछा जाए तो लिसनिंग पर भी ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है और ज्यादा स्पीकिंग की भी बात की जाती है। और इससे इस मेथड से जो इंग्लिश है ना वो आसान बन जाती है। तो हम अगले इसके मेरिट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस मेथड में जो अंडरस्टैंडिंग है, चीजें समझना जो है ना वो आसान हो जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश बिकम इजियर, इंग्लिश बिकम इजी हो जाती है, इंग्लिश बिकम्स इजियर। Easier. English जो है ना इस मेथड से बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और इस मेथड में क्या है, ये मेथड स्टूडेंट्स को जो है वो पैसिव वोकैबुलरी जो है ना और एक्टिव पैसिव जो है ना उसको समझने में भी मदद करता है। और इस मेथड में ना केवल लिटरेचर बल्कि लिटरेचर जो होता है ना साहित्य, जिसमें कविताएं वगैरह आती हैं कहानियां वगैरह आते हैं, उसको भी इंटरेस्टिंग बनाता है ये, क्योंकि बच्चे की लिसनिंग और स्पीकिंग पावर जब अच्छी हो जाती है ना तो फिर वो चीजों को समझना शुरू कर देता है, अंडरस्टैंडिंग पावर उसमें आ जाती है। और कविताओं को पोइम्स को और स्टोरीज को जो है ना अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो आपका उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये समझ बढ़ाता है, ये मेथड जो है ना वो समझ बढ़ाता है, इसलिए ये जो है इसकी ये अगली विशेषता है। और ये मेथड जो है ना विद्यार्थियों को इंग्लिश में सोचने पे मजबूर करता है, बच्चे जो है ना इंग्लिश में ही सोचते हैं, ऐसा नहीं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बच्चा पहले हिंदी में सोचता है फिर जो है उसको ट्रांसलेट करता है मस्तिष्क में फिर वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, जो कि करेक्ट इंग्लिश नहीं होती है। तो इसलिए इसमें बच्चा जो है ना वो इंग्लिश टू इंग्लिश सोचता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस मेथड मेक पीपल टू थिंक इंग्लिश, दिस मेथड दिस मेथड मेक पुपिल, पुपिल जो होता है ना वो स्टूडेंट को ही कहा जाता है, पुपिल वैसे शिष्य होता है, टू
थिंक इंग्लिश। तो ये कहता है दिस मेथड मेक पीपल टू थिंक इंग्लिश, ये मेथड जो है ना बच्चे को इंग्लिश में सोचने के लिए तैयार करता है, इंग्लिश में बच्चा जो है वो सोचता है। और जो पुपिल होता है, जो स्टूडेंट होते हैं, वो अपनी जो थॉट्स होते हैं, जो अपने फीलिंग्स जो होते हैं ना, वो इंग्लिश में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं और विदाउट किसी इंटरवेंशन के, मदर टंग के इंटरवेंशन के, बिना मदर टंग की सहायता के अपने थॉट्स और फीलिंग्स जो है बालक वो सीधा इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकता है इस मेथड से अगर उसको पढ़ाया जाए। तो हम अगला पॉइंट ये भी बना सकते हैं कि दिस मेथड enables pupil to express his thoughts and feelings directly by means of English without the intervention intervention of his mother tongue of his mother tongue। दोस्तों इंटरवेंशन का अर्थ होता है हस्तक्षेप। तो ये क्या लाइन, इन लाइनों का अर्थ क्या है कि दिस मेथड इनेबल पीपल टू मेक टू एक्सप्रेस हिज थॉट एंड फीलिंग डायरेक्टली बाय मींस ऑफ इंग्लिश, कि ये मेथड जो है विद्यार्थियों को तैयार करता है कि वो अपने फीलिंग्स और इमोशंस जो है ना वो इंग्लिश में ही बताएं बिना किसी मदर टंग के इंटरवेंशन के, बिना किसी मदर टंग के हस्तक्षेप के, यानी कि बिना मदर टंग की सहायता से बालक जो है ना वो सीधा अपनी थॉट्स को जो है वो इंग्लिश में बताता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी विशेषताएं हैं इस मेथड की, और ज्यादा इसमें नहीं है बातें, लेकिन इसके जब अपने डीमेरिट्स पढ़ेंगे, जब इसके अपने जो है डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, उसमें कुछ चीजें और निकल के भी आती हैं कि ये मेथड जो है ना इसके कुछ अवगुण भी हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इसके अवगुण क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ये अपने अगली क्लास में बात करेंगे। तो छोटा सा एक वीडियो है जिसमें हमने मेरिट्स की बात की है, डायरेक्ट मेथड के मेरिट क्या हैं, गुण क्या हैं। तो दोस्तों मैं एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ कि ये मेथड इंटरेस्टिंग है और क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फुल ऑफ एक्टिविटी है। और दूसरा, क्रेमिंग ऑफ वर्ड्स नॉट अलाउड, वर्ड्स को क्रेम करना इसमें अलाउड नहीं है, यानी कि रटाया नहीं जाता है, शब्दों को जो है समझाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाई जाती है, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग, ये चारों एस्पेक्ट जो है इस मेथड में डेवलप होते हैं। हालांकि दो एस्पेक्ट जो है जिन पर ज्यादा जोर दिया जाता है, लिसनिंग और स्पीकिंग पर, इस मेथड के द्वारा इंग्लिश जो है ना वो आसान बन जाती है। और इस मेथड में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने फीलिंग्स और थॉट को डायरेक्टली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना अपनी मदर टंग के इंटरवेंशन के। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों डायरेक्ट मेथड की, इस मेथड की ये मेरिट्स भी कहलाते हैं। इन मेरिट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगली क्लास में मैं आपको डायरेक्ट मेथड के डीमेरिट्स बताऊंगा, इसकी लिमिटेशंस बताऊंगा, क्या लिमिटेशंस हैं और क्या इसके डीमेरिट हैं। तो वही काम आपको फिर करना है।